हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकी कार्ले और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एडिटिंग टिप्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फोटो एडिटिंग के बारे में। दोस्तों आप इस तरह से फोटो एडिट कर सकते हैं, इस तरह से फोटो एडिट कर सकते हैं और इस तरह से फोटो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फोटो एडिट करने के लिए आपको इस बैकग्राउंड इमेज की जरूरत होगी, इस इमेज की जरूरत होगी, इस इमेज की जरूरत होगी और इस इमेज की जरूरत होगी। तो दोस्तों मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके इन सभी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका फोटो है, सबसे पहले आपको आपके फोटो का बैकग्राउंड निकालना होगा। तो दोस्तों बैकग्राउंड निकालने के लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है REMOVE remove.bg। इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है, यहाँ पर इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जिस फोटो का बैकग्राउंड निकालना है उस फोटो को यहाँ पर आपको ऐड करना है। ये वेबसाइट आपके फोटो का बैकग्राउंड निकाल के देती है सिर्फ 7 सेकेंड में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो का बैकग्राउंड निकल चुका है, देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का बैकग्राउंड निकल चुका है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सआर्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज लेना है, ये वाला। बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर ऐड इमेज पे जाना है और यहाँ फोटोज पे जाना है। तो हमने फोटो को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड इमेज पे जाके एक लेयर बनाना है। फिर यहाँ पर ऐड इमेज जाके यहाँ पर आपको इस वाले इमेज को ऐड करना है, ये रिंग वाला जो है गोल, इसको ऐड करना है, इसको बड़ा करना है कुछ इस तरह से। अब आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जो ये रिंग लिया है इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी रिंग वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, इसको आपको मिटा देना है कुछ इस तरह से। मिटाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लड़की वाला जो लड़की का जो इमेज है उसके लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लड़की को भी यहाँ पर इरेज कर लेना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हमारा फोटो बन चुका है, अप्लाई करना है। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एड इमेज पे जाना है और इस दिल वाले इमेज को लेना है, इसको बड़ा करके आप लगा सकते हैं। आपको जहां पर लगाना है वहां पर, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर ऐड इमेज पे जाना है और ये जो फॉन्ट है इसको लेना है, इसको बड़ा करके आपको यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला इमेज बन चुका है, अप्लाई करके आपको इसे सेव करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दूसरा इमेज बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऐड इमेज पे जाना है, अब मैं यहाँ पर दूसरा इमेज लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक न्यू लेयर बनाना है। न्यू लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, अगर आपको दिल का बनाना है तो दिल पे क्लिक करना है और इसका बनाना है तो इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर 8% कर देता हूँ, ओके करता हूँ और इसको यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। अब इसको घुमा लेता हूँ कुछ इस तरह से, डिजाइन के हिसाब से। घुमाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो हमने इमेज लिया है इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इरेज वाले ऑप्शन पे, और इसको इरेज कर देना है कुछ इस तरह से। इरेज करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब लड़की वाले इमेज पे क्लिक करना है, यानी लड़की के लेयर पे क्लिक करना है। इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस लड़की को आपको इरेज करना है इस तरह से, आपको इरेज करना है लड़की के इमेज को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लड़की का इमेज इरेज हो चुका है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर एड इमेज पे जाना है, इस वाले इमेज को लेना है
इसको बड़ा करके यहाँ पर सेंटर में रख देना है, और इसको जूम करके इसको भी इरेज करना है, यहाँ पर इरेज कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये जब छोटा होगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको अप्लाई करना है, एड इमेज पे जाना है, इस दिल वाले इमेज को लेना है, इसको बड़ा करके यहाँ पर रख देना है। आपको आपके हिसाब से, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एड इमेज पे जाऊंगा, फिर इस फॉन्ट को लूंगा, इस फॉन्ट को यहाँ पर ऐड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा इस तरह से इस तरह के फोटो एडिट किए जाते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।